भगवान, रामू रामू, किसी ने मेरे बेटे की जान ले ली है, ये क्या हो गया भगवान? इन दरिंदों का अंत कब होगा? इस अन्याय को खत्म करने वाला कोई है कि नहीं? कोई भी नहीं है इस शहर में, इस जग्गू से कुछ भी पूछने वाला या मुझसे टकराने की हिम्मत करने वाला। चीयर्स चीयर्स। इस शहर में आए हुए नए इंस्पेक्टर को लगता है हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए यहाँ आने की हिम्मत की। वो पागल लोग बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हैं और बच्चों को सड़क क्या है, गाड़ी क्या है कुछ पता नहीं होता, गाड़ियों से टकराकर मर जाते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाथ टूटा हो तो 1000 रुपए, पैर टूटा हो तो 5000 रुपए। लुक इंस्पेक्टर, चाहो तो 5000 तुम भी रख सकते हो, बदले में केस को क्लोज कर देना। यो बड़ी, इंस्पेक्टर मैं इस शहर के एमएलए का बेटा हूं, समझा? ए, तू एमएलए का बेटा हो चाहे यमराज का बेटा, गुनहगारों को खाकी वर्दी के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। ए, शराफत से इधर से चला जा, नहीं तो चॉकलेट खाकर स्कूल जाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एक थप्पड़ को भी तुम लोग सह नहीं सकते और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। ओके, क्या आप सुन रहे हैं कमिश्नर साहब? उस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर आकर मेरे ही बेटे को घसीटता हुआ लेकर चला गया। लगता है कानून और अपनी वर्दी का ज्यादा ही घमंड आ गया उसे। ये कानून का रखवाला हमारे शहर में क्या कर रहा है? उसका जल्दी से ट्रांसफर करवाइए। जी, मैं भूखी प्यासी रहकर अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई मैंने, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया मैंने, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ लड़कों ने कॉलेज में सबके सामने उसके साथ छेड़खानी किया, मेरी बेटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये अपमान वो सह ना पाई सर। वो कौन थे मुझे कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर। नो, आपका कहना बिल्कुल झूठ है। एक जिम्मेदार प्रिंसिपल होकर आप भी झूठ बोलेंगे तो सच मर जाएगा। वो कौन है बताइए। इंस्पेक्टर, मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, वो सभी इस कॉलेज को चलाने वाले अमीर बापों के बेटे हैं। अगर मैंने सच बता भी दिया तो क्या उन गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी? मुझे आपके उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अगर आप सच्चाई नहीं बताएंगे तो आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। कौन है वो लोग? वो कम ऑन, वो कम ऑन, टेल मी। राजू, प्रकाश, रमेश और गोपाल है। हाँ,
तुम लोग महिला के महत्व को नहीं समझते। अपनी थोड़ी सी खुशी के खातिर लड़की की जान ले ली, इसलिए सजा भी भुगतो। इंस्पेक्टर, हमारा अपमान करने वाला यहाँ टिक नहीं सकता है, इस शहर से निकाल दिया जाता है। इस एरिया में जो भी आता है वो इस रंगा दादा का नाम सुनते ही सलाम करके गुलाम बन जाता है, और तू इस शहर में कदम रखते ही मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गया। अगर सचमुच तू मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़कर तू मुझे पकड़ ले, नहीं तो कुत्ते की तरह तुम दबाकर यहाँ से वापस चला जा। इससे पहले कि खून खराबा हो तू अपना गुनाह कबूल कर ले। पुलिस की वर्दी तेरे बदन पर है ना, इसीलिए तू इतना इतरा रहा है। तेरे बदन से ये पुलिस की वर्दी नहीं उतार दिया तो मेरा नाम भी रंगा दादा नहीं। तेरे सर पे चढ़े हुए इस घमंड को आज मैंने नहीं तोड़ा तो मैं भी एक बाप का बेटा नहीं। इंस्पेक्टर रुद्र हियर। मिस्टर रुद्र, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ, तुम फौरन उस रंगा को छोड़ दो। सर,
उस पर तो बहुत सारे केसेस हैं और उसने तो अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, फिर उसे कैसे छोड़ा जा सकता है सर? मिस्टर रुद्र, डू व्हाट आई से। आई एम सॉरी सर। क्या तुम जानते हो कि तुम एक सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को नजरअंदाज कर रहे हो? अगर मैंने ऊपर तक रिपोर्ट कर दी तो सोचो क्या होगा। बी केयरफुल सर, एक इंस्पेक्टर जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो आप बीच में रुकावट डाल रहे हैं। अगर ये बात मैंने ऊपर रिपोर्ट कर दी तो आप भी तकलीफ में आ सकते हैं। बी केयरफुल। यस सर। इंस्पेक्टर रुद्र का रवैया कुछ ठीक नहीं है। समय, हालात और परिस्थिति को देखकर समझकर उससे लड़ने की ताकत उसमें बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट सबका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि रंगा को राजनेताओं का सपोर्ट भी है। सो तो उसका ट्रांसफर करना जरूरी हो गया, यही कह रहे हैं ना आप? ओके, डू इट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रुद्र कुमार, आपकी ही फाइल देख रहा था। 2 साल में सिर्फ तीन ही बार आपका ट्रांसफर हुआ है, ये आपकी फाइल कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर रुद्र, व्हाट इज द रीजन? सर, मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो तो क्या मैं उसे चुपचाप देखता रहूं? शायद मेरे काम करने का यह तरीका डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आया। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अन्याय अगर आंखों के सामने ही होता हो तो गुस्सा आना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे में अपने आप को काबू में रखना चाहिए। मिस्टर रुद्र कुमार, आप आज से अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। शिवशंकर जी, जिस इंस्पेक्टर रुद्र का ट्रांसफर यहां पर हुआ है, क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? यस, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। वो चाहता है कि इस पूरे शहर से अन्याय और आतंक नाम की चीज को अपने तरीके से जड़ से उखाड़कर फेंक दे, और वो ऐसा कर सकता है। आई एम श्योर ही विल गो अ लॉन्ग वे। वेरी गुड मिस्टर शिवशंकर, आवर कंट्री नीड्स अ लॉट ऑफ यंग मैन लाइक हिम। ये तुम क्या कर रही हो? ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? खाली बैठी थी इसलिए करने चली गई। इसमें क्या हुआ भैया? आपके रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं होता। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो तुम यहाँ नीचे गिर गई होती और बैठकर रो रही होती। मैं नहीं रोती भैया, बल्कि मुझे गिरते देख कर आप ही रोने लगते। तुम गिरोगी तो मैं क्यों रोऊंगा? तुम रो, मुझे क्या? मैं गिरूंगी तो आपको क्या? जाने दो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है जाओ, तुम मुझसे बात मत करो। मुझसे भी बात मत करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे 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 अरे, घर में पैर रखते ही तुमने अपना झगड़ा हमेशा की तरह शुरू कर दिया। बड़े हो गए हो, कब समझ आएगी? बात बस इतनी सी है माँ, मैं अगर सही समय पर नहीं आया होता तो आपकी बेटी नीचे गिर गई होती। शक्ल सूरत बिगड़ी होती। अरे रे, और नाक पहले से मोटी होती। कुछ भी कहो माँ, आपकी बेटी गुस्सा करने में नंबर 1 है। अब तो मेरी भी बात नहीं मानती, आखिर आपकी बेटी है ना। क्यों भैया, ये आपकी बेटी? आपकी बेटी क्यों कहा? तो फिर और क्या कहूँ तुम्हें? मेरी बहन कहने से आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ठीक है मेरी माँ, आज से तुम्हें प्यारी बहना कहूँगा। चुपचाप। ये तो किसी की नहीं सुनती बेटा, नए घर में आने की खुशी में तेरी बहन मेरी क्या किसी की भी बात नहीं सुनती। वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ, छोटे बड़ों का डर नहीं कुछ चुप नहीं। चुप हो जाइए। भैया आप अपना पावर पुलिस स्टेशन में दिखाना, यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलेगी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जैसे भी रहूं और जो भी करूं। वैसे भी इस शहर के तो हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद तो ट्रांसफर। चुप रहो। कुमार, तुम मेरी बात सुनते तो हो पर मानते नहीं। तुम अपना फर्ज खूब निभाते रहो, मगर बिना मतलब के किसी से हमेशा की तरह दुश्मनी मत मोल लेना बेटा। तेरे पिताजी भी पुलिस की ड्यूटी के दौरान न्याय, ईमानदारी, सच्चाई और धर्म की वजह से कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगे। मैंने उन्हें तो खो दिया, मगर तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ बेटा। तू ही तो हमारा एक सहारा है। माँ,
जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। धीरज रखो माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भैया आपको एक बात तो बताना भूली गई। बोलो बहना। आशा का फोन आया था। आशा का? दिलों के फसाने ये क्यों है सुहाने, तुम ये दो फरमा दिल भाव की है शोभा नहीं इश्क की है उपमा। दिलों के फसाने ये क्यों है सुहाने। कुमार, मैं कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हूँ। कुमार जी, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। जानता हूँ आशा, मैं तुम्हारी इस खूबसूरती को देखते ही खुद को भूल जाता हूँ। यू आर रियली ब्यूटीफुल। वेरी फनी, ये सब झूठ है। झूठ है? तुम मेरे सीने पे कान रख के सुनो तब पता चलेगा।
अब बताओ आशा, मेरा दिल आशा आशा कह रहा है ना? वो तो झूठ झूठ बोल रहा है। क्या? हाँ। और इसकी ये सजा है, आपको मेरे डैडी से मिलना होगा। डैडी? अभी मेरे साथ चलकर मेरे डैडी से मिलना होगा। डैडी? डैडी, मैं इंस्पेक्टर कुमार को लाऊंगी, आपसे कहा था ना। देखिए लेकर आई हूँ। नमस्ते सर। Glad to meet you, Mr. Kumar. Nice meeting you, sir. Mr. Kumar, तुम्हारे बारे में आशा हमेशा बातें करती रहती है। वैसे मैं भी पेपर में तुम्हारे बारे में हमेशा पढ़ते रहता हूँ। Thank you very much, sir. Come. Please sit down. Thank you, sir. Mr. Kumar, मैं भी तुमसे मुलाकात करने के लिए काफी दिन से इंतजार कर रहा था। वो क्यों सर? आशा जब जब मुझसे तुम्हारे बारे में बातें करती थी तो हमेशा मेरे मन में तुमसे मिलने की चाहत होती थी, क्योंकि सभी माँ बाप के मन में अपने बच्चों को खुश देखने की इच्छा होती है। मैंने बचपन से ही आशा को माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है। तुमसे शादी करने का आशा का फैसला पहले तो मुझे गलत लग रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही है। मिस्टर कुमार, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी आशा को खुश रखने में तुम कोई कसर बाकी नहीं रखोगे और उसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इतना ही नहीं, दौलत की लालच से परे एक स्वाभिमानी व्यक्ति मेरा दामाद बनेगा, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। थैंक यू सर। रामू काका। मिस्टर कुमार, आपकी माँ से बात करके एक अच्छा मुहूर्त निकालकर मैं आशा की शादी आपसे करा दूंगा, क्या कहते हैं आप? नहीं सर, मेरी बहन की शादी होने से पहले मैं शादी करना नहीं चाहता। वेरी गुड। मैं आपको सिर्फ एक ईमानदार और निष्ठावान पुलिस ऑफिसर ही समझता था, लेकिन अब पता चला कि आप राखी के बंधन को निभाने वाले एक जिम्मेदार भाई भी हैं। ओके मिस्टर कुमार, एज यू लाइक। अच्छा सर, अब मैं चलता हूं। ओके। मिस्टर कुमार। यस सर। आज से इस घर को अपना ही घर समझिएगा, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। थैंक यू सर। सी यू आशा। बाय। आए हुए नए थानेदार साहब को मेरा नमस्कार। कहिए, क्या कर सकता हूं मैं? वैसे मुझे किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इस शहर में जो भी नया इंस्पेक्टर आता है उसका स्वागत और उसकी विदाई करने वाला बस एक इंसान है, और वो हूं मैं, यानी नारंग। इंस्पेक्टर, गली के टपोरियों से लेकर शहर के पॉलिटिशियन तक इस नारंग की इज्जत में कमी नहीं होने देते हैं। मुझसे दोस्ती करने वाला हर वो शख्स मेरी छत्र छाया में रह करके अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारता है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों की जरूरत पैसे से बढ़कर और अधिक नहीं होती है, और इन बातों को मैं आंखों के इशारों से ही पलक झपकते समझ लेता है ये नारंग। मिस्टर नारंग, फालतू की बकवास करके मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। यही बात बताने तो मैं आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंसान की जिंदगी में टाइम का बहुत महत्व होता है। आंखें जाने के बाद सूर्य को देखने की चाह बेकार होती है, हा? आप जवानी की पहली सीढ़ी पर हैं। अनुभव लेने के लिए पूरी उम्र पड़ी है इंस्पेक्टर साहब। 403। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब। अपने आप मैं आया था और खुद ही चला जाऊंगा, मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एक ना एक दिन तुम चलकर खुद मेरे अड्डे पर आओगे, और तुम्हें आना ही होगा, समझे? मेरी बात याद रखना।
भैया कैसी हो कमला बहन? बस अच्छी हूँ भैया। आइए ना भाभी। कुमार कुमार देखो कौन आया है बेटा। ओह नमस्कार अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठ जाओ। कुमार तुम्हारा इस शहर में ट्रांसफर की खबर सुनकर मैं तुमसे मिलने चला आया। क्यों भैया, इसके बीच तो आप हमें भूल ही गए थे ना। नहीं नहीं ये बात नहीं है कमला बहन, यहाँ से आपके जाने के बाद हम वहाँ भी आपसे मिलने आए थे, पर कुमार का ट्रांसफर हो चुका था। नमस्ते अंकल। बैठो बेटी। बैठो। तुम कैसी हो बेटी राधा? अच्छी हूँ आंटी। आप सबको इतना खुश देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। देखो बहना, तुम्हारे पति के गुजरने के बाद तुमने अपने बच्चे को कितनी तकलीफों से पाला है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दिया है। अगर आज हम सबके बीच सदाशिव होता तो वो भी कितना खुश होता। इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता है भैया। आप बातें कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूं। वो सब बाद में लाना कमला बहन, देखो हमारा यहाँ आने का एक जरूरी मकसद था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। क्या मकसद है? देखो कमला बहन, मैं तुम्हारे पति का दोस्त होने के नाते अपने बेटे प्रकाश के लिए तुम्हारी बेटी राधा का हाथ मांगने आया हूँ। भैया ये तो खुशी की बात है। मैं तुम्हारा तहे दिल से आभारी हूँ मेरी प्यारी बहना। कुमार इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह एक अंधे को आंख मिल जाने से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बिल्कुल वैसे ही खुशी मुझे हो रही है अंकल। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब प्रकाश सभी को पसंद है। राधा तेरी पसंद क्या है ये भी तो बता दे। कमला बहन इसी को सगाई की रस्म समझिए और जल्द ही अच्छा मुहूर्त निकाल कर इस मंगल कार्य को पूरा कर दें। जैसी मर्जी भैया। अरे जी क्या हुआ बेटी? ओहो आशा क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं डैडी, मैं एप्पल काट रही थी उसी में हाथ कट गया और डॉक्टर अंकल घबरा गए। आशा देखकर काम किया करो बेटी। और कैसे हैं डॉक्टर? अच्छा हूँ, यहाँ एक केस हैंडल करने के लिए आया था, सोचा आपसे और आशा बेटी से मिलता चलूं। अब मैं चलता हूँ। आशा बेटी हा? मैं फिर आऊंगा। ओके अंकल। डैडी अंकल मुझसे कितना प्यार करते हैं। आशा उनको कोई अपनी औलाद नहीं है ना बेटी, और वैसे भी वे ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए बचपन से ही तुम्हें अपनी औलाद की तरह बहुत प्यार करते हैं। राधा आ? राधा आ? आज मैंने तुम्हारे होने वाले पति को देखा। वो कैसा दिखता है पता है तुम्हें? एक काले भद्दे बकरे की तरह, सर से लेकर पैर तक एक ही साइज है। छी कुछ भी बोलते हो। अरे वाह राधा, अभी से शर्माना सीख लिया तुमने। माँ देखो ना भैया को, मुझे सता रहे हैं। सताने दे बेटी, तुझे नहीं सताएगा तो ये और किसे सताएगा। राधा मैं और क्या क्या बताना चाहता हूँ, क्या तुम सुनोगी नहीं? और भी अगर कुछ बचा है तो बता ही दो भैया। हाँ अब तुम्हें फ्यूचर बताता हूँ। शादी के दिन सारी सुहागने मिलकर तुम्हें देर तक सजाएंगी संवारेंगी, पूरा घर मेहमानों से भरा होगा, तुम्हारा दूल्हा मंडप में बैठा होगा, पंडित कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहेगा मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वधू को जल्दी बुलाइए। तुम्हें रेशम की साड़ी पहनाकर सुंदर फूलों से सजाकर ढेर सारे गहने पहनाकर मंडप में लाया जाएगा। तुम मोरनी की तरह धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ोगी। वहां पर नीचे बैठी औरतें तुम्हें देखकर कहेंगी अरे लड़की देखो कितनी खूबसूरत है, सूरज से महालक्ष्मी की रोशनी जगमगा रही है, ऐसी लड़की को तो मेरे घर की बहू बनना चाहिए। दूसरी कहेगी मेरे घर की बहू बननी चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूमने लगेगा। धीरे धीरे ले जाकर तुम्हें मंडप में बिठाया जाएगा और जैसे ही वो तुम्हारा पति वो काला बकरा देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, उसकी नजर तुम पर से हटेगी नहीं। पंडित जी जोर से कहेंगे बजाइए जोर से बजाइए,
करके बैंड बजते ही पंडित जी सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधी के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ऐसे मंत्र पढ़ेंगे और बकरा तुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। और उसके बाद तुम अपने पति के घर जाने की जल्दी में ये कहा है वो कहा है वो कहा है ये कहा है इस तरफ से उस तरफ से इस तरफ टुकुर 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 सबके आंखों में देखती रहोगी और मैं दूर खड़ा रहकर इस घर को देखता रहूंगा। फिर एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकेगी। भैया भैया मैं जा रही हूँ ये कहकर तुम जाने लगोगी और तुम्हें जाते देख मुझे बहुत दुख होगा। मैं पागलों की तरह राधा राधा पुकारूंगा। तुम पलट कर देखोगी भैया और भागते हुए आकर रोते हुए मेरे गले से लग जाओगी। राधा राधा तुम रो क्यों रही हो? भैया तुम्हारे हिसाब से विदाई के दिन दौड़कर तुम्हारे गले लग जाऊंगी मैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा भैया। मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर नहीं है भैया। I'm sorry राधा, मैंने खुशी में और अनजाने में न जाने बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। नहीं भैया मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। उस भगवान ने मेरे भैया की आशाओं पर पानी फेर दिया, इसलिए रो रही हूँ मैं भैया। देखो अब रोना नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, चलो अब हंसो जरा प्लीज। हा? मैं ही हंसाऊंगा तुम्हें, हाथी के ऊपर, ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर और चांद तारे तकेंगे तुझे, घर में गूंजेगी मेरे शहनाई, दूल्हा आएगा लेने तुझे। तेरा भाई रहेगा ना बस में, जब तू बहना बनेगी दुल्हनिया। चांद तारे तकेंगे तुझे, घर में गूंजेगी मेरे शहनाई, दूल्हा आएगा लेने तुझे। जब तू बहना बनेगी दुल्हनिया, चांद तारे तकेंगे तुझे, घर में गूंजेगी मेरे शहनाई, दूल्हा आएगा लेने तुझे। राजा की आंखों
का सपना। सात जन्म के फेरे होंगे धरती गगन पे तेरे, होके विदा जब घर से चलेगी दिल से कहूँ। ईश्वर मुझको देना। मेरे भाई तेरी बहना बनेगी दुल्हनिया, चांद तारे तकेंगे तुझे, घर में गूंजेगी तेरी शहनाई, जीजा आएगा लेने उसे। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई रहेगा ना बस में, तेरी बहना बनेगी दुल्हनिया, चांद तारे तकेंगे तुझे, घर में गूंजेगी तेरे शहनाई, जीजा आएगा लेने उसे। हेलो, इंस्पेक्टर रुद्र कुमार जी हैं। सर, धनलक्ष्मी बैंक में कुछ लुटेरे घुसाए हैं। इंस्पेक्टर, तुमको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो 24 घंटों के अंदर हम अपने आप ही छूट जाएंगे। ए! एक पंच मारूंगा तो सारे नट बोल्ट लूज हो जाएंगे, हरामी के पिल्ले। ऑनर 3। यस सर। क्या है ये? आपको देने के लिए नारंग राव मिठाई का डब्बा लेकर आए थे सर। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। मैंने तुमसे कहा था ना एक दिन चलकर तुम मेरे पास जरूर आओगे। आज वो दिन आ गया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इंस्पेक्टर, सोने के झूले में झूलने वाला, चांदी के लोटे में दूध पीने वाला भी पैसे को इस तरह नहीं ठुकराता। पैसे की अहमियत शायद आपको पता नहीं है। पैसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह आपकी गलत फहमी है मिस्टर नारंगराव। पैसों से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होने लगा नारंग राव, तो सत्य और धर्म की मौत हो जाएगी। ओ, भाषण दे रहे हो क्या? भाषण सुनने और बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये कोई भाषण नहीं है मिस्टर नारंग राव, बल्कि अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच है। और आप मुझे पैसों के बल पर कभी भी खरीद नहीं सकते। किसी बड़े आदमी की छत्र छाया हो तो भी हथकड़ी आज नहीं तो कल तो लगेगी, इसमें संदेह नहीं। समझे? बिना सबूत और गवाही के तुम मेरे पास भटक भी नहीं सकते इंस्पेक्टर। मगर मैं चाह लूं तो तुम्हारी ईमानदारी से भरी हुई वर्दी को उतरवा भी सकता हूं और पहनवा भी सकता हूं। ये इतना आसान नहीं है। इस खाकी वर्दी के बारे में तुम्हें क्या पता है? ये न्याय की रक्षा करने वाला हथियार है, नीति को बचाने वाला शेर है, सत्य को जिताने वाली शक्ति है। इस दुनिया को रचने वाले अगर वो ब्रह्मदेव भी गलती करें तो उन्हें भी बंदी बनाने की हिम्मत ताकत सिर्फ इस वर्दी में है। इंस्पेक्टर, शायद इस वर्दी का तुम्हें ज्यादा ही अधिकार मिल गया है। नो, यू आर रॉन्ग मिस्टर नारंग राव। बिना वर्दी के अधिकार के भी अन्याय को मौत की नींद सुलाने वाला ये रुद्र है। ओ,
लेकिन एक पेड़ से कभी भी जंगल नहीं बन जाता इंस्पेक्टर। मिस्टर नारंग राव, माचिस की एक तीली भी सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। इंस्पेक्टर, तुम्हारी हाजिर जवाबी अच्छी है, लेकिन तुम अभी कहां पर खड़े हो भूल रहे हो। तुम्हारा पावर यहां नहीं चलेगा, तुम यहां से हिल भी नहीं सकते इंस्पेक्टर। हाँ, सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देख लो। मिस्टर नारंग राव, आप इस शहर में गेम खेलते हैं तो हम भी अनाड़ी नहीं है। अगर मैं अभी 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं गया तो बाहर भिखारी के वेश में खड़े मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे या अभी बुलाऊं। इतने बड़े आलीशान बंगले के मालिक को उस गेट के सामने के लोग दिखाई नहीं दे रहे क्या? जरा आप खुद देख लो। मिस्टर नारंग राव, मेरा आने का मकसद तुम्हारा दिया पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंकना था, समझ गए? वहां सामने उन्हें देख रहे हैं ना, उनसे कहिए शायद वो कुछ ज्यादा ही दे देंगे। भिखारियों को दिखा करके ये तो मुझे ही बेवकूफ बना गया। कनेक्ट टू डीएसपी। हेलो डीएसपी साहब, मैं नारंग बोल रहा हूँ। मेरा एक जरूरी काम आपको अभी करना है। 403 सर, उन्हें छोड़ क्यों दिया? उनको तुरंत छोड़ने के लिए डीएसपी साहब का फोन आया था, इसीलिए छोड़ना पड़ा। रुद्र हियर। मिस्टर रुद्र कुमार, मैं डीएसपी शिव शंकर बोल रहा हूँ। सर व्हाट इज दिस सर, उस नारंग के आदमियों को मैंने जान पे खेलकर पकड़ा था, फिर आपने उन्हें रिलीज क्यों कर दिया? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है सर। इट इज द पॉलिटिकल प्रेशर। ओह, पॉलिटिकल प्रेशर, माय फुट। इन एवरी वे, इन एवरी प्रोफेशन इज अ पॉलिटिकल प्रेशर। व्हाट फॉर द हियर सर, हमारे हाथ इन पॉलिटिशियन के कारण बांध दिए गए तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा सर? आई एम सॉरी टू टेल यू दिस। कूल डाउन मिस्टर रुद्र, कूल डाउन। I'm sorry, sir. I'm sorry. सुनो लक्षदीप से, मलाड बीच पर एक बोट से स्मगलिंग के 10 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट आने वाले हैं। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, फौरन नाकाबंदी कर दो। Yes, sir. 403. Yes, sir. मैं मलाड बीच पर जा रहा हूँ, कोई खास इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। ओके सर। हेलो सर, मैं 403 बात कर रहा हूँ। बोट आने की खबर सुनकर रुद्रा अभी अभी मलाड बीच पर गया है सर। ओके, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। लुक, उस रुद्र की आंखों से माल ओझल करना इतना आसान काम नहीं, बी केयरफुल। हेलो 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 हेलो, बीच के पास इंस्पेक्टर रुद्र घात लगाए खड़ा है, तुम लक्ष्मणी से वापस चले जाओ।
वेलकम रुद्र, वेलकम। शिकार पर जाने वाले शेर को लगता है शिकार नहीं मिली, इसीलिए खाली हाथ आकर खड़े हो। वेरी सैड। मैं औरत की इज्जत करता हूँ, इसलिए शराफत से कह रहा हूँ, कम आउट एंड सरेंडर। I'll give you 1 minute time. बताओ वो बोट किसकी थी, वो वापस क्यों गई? मुझे नहीं पता सर। मैं 403 बात कर रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर रुद्रा माइकल को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया है सर। वो उसे बुरी तरह पीट रहा है सर। माइकल को खत्म कर दो। ओके सर। बता उन्हें इन्फॉर्म करने वाला कौन है? मुझे नहीं पता। सर, मैं बताना भूल गया था, मेरी बहन की सगाई हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़का कौन है, काम क्या करता है? मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, पीपल्स बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे। बहुत खुशी की बात है कुमार, तुम्हारी बहन की शादी के साथ साथ मैं सोचता हूँ तुम्हारी भी शादी हो जाए। कोई एतराज है? नहीं सर, पहले बहन की शादी होगी फिर मेरी शादी। ये लो। थैंक यू सर। माइकल, 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 माँ। कुमार, कुमार क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा सर घूम रहा था, थोड़ा सा आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। कौन है वो जो अपनी तमीज भूलकर बैठ गया?
खड़े हो जाओ। इंस्पेक्टर, लगता है तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती है। किस किस को कब कब कहां कहां कितनी इज्जत देनी है ये इस रुद्र को अच्छी तरह पता है। इंस्पेक्टर, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। लॉकअप में बंद माइकल को साथ ले जाने आया हूँ मैं। ये रुद्र कुमार के रहते ऐसा नहीं हो सकता। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है इंस्पेक्टर। मेरी बात नहीं मानोगे इसीलिए तो अपने साथ बेल ऑर्डर लाया हूँ। फोर नॉट थ्री। यस सर। माइकल को ले आओ। जी सर। माइकल, माइकल, अरे रे माइकल, ये तो मर गया है। सर सर, आपकी मार खाने से वो तो मर गया। व्हाट? वो मर गया? इंस्पेक्टर, आपने जानबूझकर उसे मार डाला है। माइकल, 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 मिस्टर रुद्र कुमार, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार माइकल तुम्हारे पीटने से ही मरा है और 403 ने भी गवाही दी है। सर, मेरा टॉर्चर इतना सख्त नहीं था कि वो मर जाए सर, बिलीव मी सर। तो बताओ वो कैसे मरा, टेल मी हाउ। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आया। नो, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। यू हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस टिल फर्दर इंक्वायरी। कुमार, आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा, तुम ज्यादा मत सोचो बेटा। मैं सस्पेंड हुआ इस बात का दुख नहीं है माँ, मेरे दामन पर जो दाग लगा है उसी वजह से परेशान हूँ मैं। सर, आने वाले 16 तारीख को मेरे बेटे की शादी है, अगर आप वहाँ आकर आशीर्वाद देंगे तो बड़ी कृपा होगी। वेरी गुड। लड़की किस गाँव की है? इसी गाँव की है सर, इंस्पेक्टर रुद्र की छोटी बहन है वो। हाँ तो परमेश्वर, आपके बेटे को पढ़ने के लिए पैसे किसने दिए? आप ही ने सर। आपके बेटे को काम किसने दिलाया? आप ही ने सर। आपको इस ओहदे पर कौन लेकर आया? अरे आप ही ने तो सर, भला मैं आपके उपकारों को कैसे भूल सकता हूँ सर। ऐसा समझते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम सर? तुमको अपने बेटे की शादी रुकवानी पड़ेगी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? जो तुम्हें सुनाई पड़ रहा है मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? जो कहा वही करो, वजह मत पूछो। इसमें तुम्हारा जितना भी खर्चा हुआ है सब देने के लिए तैयार हूँ मैं। सर देखिए, ये पैसों का सवाल नहीं है बल्कि ये मेरी मान मर्यादा का सवाल है। करेक्ट, इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझसे दुश्मनी लेने वाले इंस्पेक्टर रुद्र की इज्जत मर्यादा मिट्टी में मिल जानी चाहिए, इसलिए शादी रोकनी होगी। लेकिन माफ कीजिएगा सर, अब इस शादी को रोकना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर, इतने सालों से मेरा नमक खाने के बाद मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? यह शादी हर हाल में रुकनी ही चाहिए, नहीं तो फिर शादी के मंडप में हवन नहीं तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। लेकिन शादी क्यों नहीं हो सकती अंकल? क्योंकि राधा पसंद नहीं है, इसीलिए। पसंद नहीं है? आप तो खुद यहाँ आए थे राधा से अपने बेटे की शादी कराने, फिर अचानक राधा पसंद नहीं है, आखिर बात क्या है अंकल? कह दिया ना बेटा, हमें राधा पसंद नहीं है बस। माँ जी, आप ही उन्हें मनाइए माँ जी। अंकल, हमसे कोई गलती हुई है तो बताइए, लेकिन शादी से इनकार मत कीजिए। मेरी शादी होगी, मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे रहूंगी, ये राधा कहती है। उसके सपने चूर चूर हो जाएंगे अंकल, उसकी आशा अभिलाषा कल्पना बनकर रह जाएगी, वो जिंदा नहीं बचेगी अंकल। प्लीज अंकल, भगवान के लिए शादी मत रोकिए, प्लीज। ये पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा, उपाय है 5,00,000 रुपए वरदक्षिणा। वरदक्षिणा? लेकिन पहले तो आपने कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि तुम खुद ही समझ जाओगे, ये सोचकर मैं इंतजार करता रहा, पर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मजबूरन मुझे खुद ही कहना पड़ा। अचानक 5,00,000 रुपए मांगेंगे तो अंकल मैं कहाँ से लाऊंगा? बिना वर दक्षिणा के तुम्हारी लंगड़ी बहन से शादी करने को कौन तैयार होगा बेटा? ओके, 5,00,000 रुपए चाहिए, ला कर देता हूँ। Thank you.
हेलो कुमार। ओह हेलो सर। कुमार तुम दोबारा घर नहीं आए, चलो ना घर चलते हैं। फिर कभी आऊंगा सर, अभी नहीं। नो, आशा तुम्हारे घर आने की राह देखा करती है, चलो ना घर चलते हैं, प्लीज कम। आशा, आशा साहब जी, आशा बिटिया बाहर गई है। आई एम सॉरी कुमार। कोई बात नहीं सर, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। क्या हुआ कुमार, किस सोच में डूबे हुए हो? कुछ नहीं सर, कुछ खास नहीं। ओ तुम अपने सस्पेंशन ऑर्डर के बारे में सोच रहे हो ना? डोंट वरी मिस्टर कुमार, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम मेरी बेटी के साथ शादी करके मेरे सारे कारोबार की देखभाल करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। मिस्टर कुमार, इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी, यू आर मोस्ट वेलकम। तुम कुछ नहीं कहोगे, आशा जैसा कह रही थी, तुम बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आशा है तो बता दीजिएगा। ओके। कुमार साहब, कुमार साहब, कुमार क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। कुछ पता नहीं सर, पता नहीं, मेरा सर बहुत घूम रहा है। डॉक्टर को इस बारे में बताए थे क्या? नहीं सर। नो मिस्टर कुमार, सेहत के बारे में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। तुम डॉक्टर को फौरन जाकर दिखाओ। बाद में चला जाऊंगा सर। नो, रामू काका तुम अभी के अभी इन्हें कार में बिठाकर अपने डॉक्टर के पास ले जाओ। एक्सरे रिपोर्ट देखे बिना मैं कुछ भी नहीं कह सकता मिस्टर कुमार। आप शाम 5 बजे तक आ जाइएगा, तब तक मैं आपकी रिपोर्ट भी देख लूंगा और तभी मैं आपको कुछ ठीक से बता पाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। कुमार हियर। हेलो कुमार। कुमार मैं आशा बोल रही हूँ। बोलो आशा। आई एम सॉरी कुमार, डैडी ने बताया तुम घर आए थे, मैं बस 5 मिनट पहले ही शॉपिंग करने के लिए घर से निकली थी। इट्स ऑल राइट। कुमार कल मेरा बर्थडे है, ठीक 7 बजे आपको मेरे घर आना है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके ओके आशा, बाय। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। क्या एक्सरे रिपोर्ट? हाँ हाँ आ गई है, मैं उसे ही देख रहा था। मिस्टर कुमार हम जो भी सोचते हैं वो सच नहीं होता, वो इसलिए कि ऊपर वाला भी तो सोचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ऊपर वाले की मर्जी के आगे इंसान की कुछ भी नहीं चलती। देखो कुमार, इंसान को जिंदगी में कितनी भी तकलीफ भले ही क्यों ना आए, उसे हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है कि इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है, मैं समझ नहीं पा रहा। बीमारी? हाँ मिस्टर कुमार, हमें जल्द से जल्द आपका एक ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? जी हाँ, और ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन में हम कितना सक्सेस होंगे कह नहीं सकता, और अगर ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता है तो पेशेंट की दोनों आंखों की रोशनी जा सकती है और वो पागल भी हो सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर कुमार,
और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे तुम्हें बताना होगा। अब तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे। हाँ कुमार, अब तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। डॉक्टर, आप घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझे हुआ क्या है डॉक्टर, बताइए डॉक्टर प्लीज। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। नो डॉक्टर। आई एम सॉरी, बट एक्सरे के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर ही है, देखिए इस बात में कोई संदेह नहीं। दिस इज मिडिल ऑब्लोगेटा। इस जगह पर ट्यूमर बहुत ही खतरनाक होता है और वो कभी भी फट सकता है। सर, मैंने आपकी रिपोर्ट देख ली है, आपको जल्दी से ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर भगवान की कृपा रही तो आपका ऑपरेशन सक्सेस भी हो सकता है। आशा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुमार, ये लहरें देख रहे हो कैसे एक के पीछे एक आ रही हैं? वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे तो मैं आती हूँ। कुमार, हमें हमेशा ऐसे ही साथ रहना है। नहीं आशा, हमारा साथ लहरों की तरह हो ऐसा मत सोचना। ऐसा क्यों कह रहे हो कुमार? लहरें कुछ ही पलों में साथ छोड़ देती है, तो क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ना पसंद करोगे? ऐसा मत कहो कुमार, लहरें जिस तरह से एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, उस तरह मैं आपसे जुदा होकर एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। हाँ डॉक्टर, आई एम सॉरी। भगवान क्या हो गया? नहीं बेटा। कुमार, इतनी देर तक कहाँ थे बेटा? कहीं नहीं माँ। राधा सो गई क्या? हाँ सो गई बेटा। कुमार, तुम इतने चुप क्यों हो बेटा? कुछ नहीं माँ, वो राधा की शादी नजदीक है ना, तो राधा को किस रंग की साड़ी पसंद है, कितनी साड़ियां लेनी है, कौन कौन से गहने बनाने हैं, ये सोच रहा था माँ। शादी में ढेर सारे लोग आएंगे ना माँ, अलग 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 तरह के लोग, तो खाना भी मजेदार होना चाहिए ताकि खान पान पर कोई भी उंगली ना उठा सके। कुमार, तुम्हारे जैसे भाई को पाने के लिए राधा ने पिछले जन्म में न जाने कितने पुण्य किए होंगे, और उसके पिताजी जिंदा नहीं हैं, ये तुमने महसूस नहीं होने दिया बेटा। आखिर मेरी बहन है वो, उसे मैं खुशियां नहीं दूंगा तो फिर और कौन देगा माँ? कुमार, तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं माँ, कुछ राधा के बचपन की यादें ताजा हो गई। मेरा उसके साथ खेलना, झगड़ा करना, सब कुछ याद आ गया था। वो हमें छोड़कर चली जाएगी ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए माँ, आंसू आ गए। कुमार, तेरी अच्छाइयों का फल तुझे भगवान देगा,
तुम हमेशा सुख शांति से जियोगे, लंबी उम्र जियोगे बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आशा, कुमार का इंतजार अब और कितनी देर तक करोगी बेटी? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और डैडी, प्लीज। आशा आओ कुमार। आई एम वेरी सॉरी आशा, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। एनीवे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई एम सॉरी। ये आशा, कट नहीं किया क्या केक को? कुमार, व्हाट इज दिस? तुम पीकर आए हो? थोड़ा सा पिया हूँ, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है ना, फॉर द प्लेजर शेक। तुम भी थोड़ा पीना चाहो तो जाम को पी लो जान, सारे बदन में जोश आ जाएगा। कम ऑन आशा डार्लिंग। ए आशा, कम ऑन आशा, कम ऑन। बिहेव योरसेल्फ। मैं पी रहा हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं है। मैं बहुत दी है। कुमार, स्टेडी, मैं फुल स्टेडी में हूँ। जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, आज मैं आप सबको एक हैप्पी न्यूज सुनाने वाला हूँ। आज तो आशा का बर्थडे है। इसको भी अभी आना था, आकर पार्टी की ऐसी की तैसी कर दी। मुझे क्या समझ रखा है? मैं कौन हूँ अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? जो यारो, सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? कुछ ना कुछ गाओ। बजाओ। स्टॉप। ये कैसा म्यूजिक है? म्यूजिक तो ऐसा होना चाहिए कि आप बजाते रहो तो सामने वाले को खुशी होनी चाहिए, उसे झूमना चाहिए, वो होता है म्यूजिक। ये स्टाइल नहीं चलेगा, मेरे स्टाइल में आइए। मतलब हाई क्लास नहीं, लो क्लास। अब क्या कहते हैं? ओके, आई एम स्टेडी, आर यू रेडी? रेडी, 1, 2, 3, 4। करना ना उसका भरोसा, सीने में जिसके हो चोर, बंद रखता है अपनी जुबा को, दिल उसका करता है शोर। नाम उसका वफा, वफा से जो के रहता है दूर, के करे दिलों को वो तो चकना चूर। करना ना उसका भरोसा, सीने में जिसके है चोर, बंद रखता है अपनी जुबा को, दिल उसका करता है शोर। मुझको भी देख ले, किस तरह हो गया हुस्न पर मैं फिदा, गर कहे ये जहां तो कहे बावरा। उसको नशा है धन का, मुझको तो प्यार का, चाहे जहां वो मुझको बस पास यार का। जाने जा मेरी जा, भरोसा सीने में जिसके हो चोर।
बंद रखता है अपनी जुबान को, दिल उसका करता है शोर। सुनिए जी, आपसे कह रही हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं हूँ जी आपकी पत्नी शांति। शांति? कौन सी शांति? मुझे शांति भी नहीं पता, शकुंतला भी नहीं पता। गेट आउट। कौन है आप? मैं इनकी पत्नी हूँ। बहन आप ही बताइए, अगर एक औरत को उसका पति छोड़ दे तो उसका क्या होगा? पति? और ये? हाँ बहन, मैं इसके जाल में फंसकर, इसके झूठे प्यार में पड़कर अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ली और इनसे मैंने शादी कर ली अपना संसार बसाने की कोशिश में। सब झूठ। आशा, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। ये कौन है मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्यों जी, मैं कौन हूँ आपको बिल्कुल नहीं पता? तो ठीक है, एक बार, सिर्फ एक ही बार अपने इस बच्ची की कसम खाइए, ये आपकी बच्ची नहीं है, कहिए ना। देखो मुझे कसम मत खिलाना, ये बच्ची मेरी है, इसके लिए मैं कुमार। सही सुना आशा, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। तब मैं बदलापुर में रहता था, अब तो इसे छोड़े चालू हो गए हैं। आई प्रॉमिस मैं यहाँ आने के बाद इसे भूल चुका हूँ। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो। यू चीट, आई हेट यू। आशा, ए आशा, ए मेरी बात तो सुनो। सर, आशा मुझसे नाराज होकर चली गई सर, अब आप ही उसे समझाइए सर, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता सर। यू ब्लडी फूल, तूने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और आज इतने लोगों के सामने मेरी मान मर्यादा को तूने मिट्टी में मिला दिया। छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए। मेरी पत्नी होने का नाटक करने के लिए बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्यार के नाम पर लड़कियों को धोखा देने वाले बहुत मिल जाते हैं। एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाले भगवान रूपी इंसान को आज मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। किसी औरत के लिए आपकी ये कुर्बानी देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ।
अगर इस खेल के लिए मैंने पैसे लिए तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैंने ये काम अपने भाई के खातिर किया है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। दया करके आप मुझे अगर सच्चे दिल से बहन मानोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगी। आप खुश रहिए भैया, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते सर। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर। तुमसे कुछ भी बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। गेट आउट। मेरी वजह से जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, लेकिन वो सब एक नाटक था सर। What? कल नाटक हो रहा था या फिर आज जो तुम कर रहे हो वो नाटक है? सर मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मेरी वजह से आशा की जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैंने ये सब किया। ये क्या कह रहे हो तुम? सर मैं एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हूं। ट्यूमर? मैं ट्यूमर के लास्ट स्टेज पर हूं सर, और अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मेरी वजह से आशा की हरी भरी जिंदगी सुनी ना पड़ जाए इसलिए मैंने वो नाटक किया, ताकि आशा मुझसे नफरत करने लगे सर। कल भरी महफिल के सामने मैंने आपको अपमानित किया, उसी की माफी मांगने के लिए आया हूं। दया करके मुझे माफ कर दीजिए कुमार। आई एम सॉरी कुमार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सच्चाई क्या है ये जाने बिना ही मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। कुमार मुझे चाहे जो भी करना पड़े, तुम्हारी बीमारी का मैं जरूर इलाज कराऊंगा। मरने वाले को कोई भी नहीं बचा सकता है सर। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं सर, तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताओ कुमार बताओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर यह बात आशा को पता नहीं चलनी चाहिए। कुमार तुम्हारे इंसानियत और स्वाभिमान का कोई जवाब नहीं। मेरी बेटी के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे। तुम्हारे दिल में आशा के लिए इतना प्यार है, यह देखकर मेरा दिल तो खुशी से भर गया है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, रियली रियली यू आर ग्रेट। गॉड ब्लेस यू माई सन। माँ। क्या है बेटा? आज पता नहीं क्यों तेरे हाथों से खाना खाने का मन कर रहा है। खिलाओगी ना माँ? पूछता क्या है बेटा, मैं तुझे खिलाती हूँ, ले खा ले। माँ। क्या है बेटा? अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुमार भैया दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, ये सुनते ही मेरी धड़कन रुकने लगती है। भैया आपको मेरी कसम ये बात दोबारा मत कहना। हाँ नरसिम्हा, और कितने दिनों तक ये पैसे देने पड़ेंगे? इस काम से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? फिक्र करने की बात नहीं है नारंग, हर इंसान का अच्छा टाइम जरूर आता है। जब अच्छा टाइम आता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, तब तक तुम अपना पैसा देना कभी मत रोकना। अब तुम जा सकते हो, चलो चलो जाओ। हेलो। हेलो धर्मा। तुम, क्या बात है? बिना कारण ये नरसिम्हा कभी किसी को फोन नहीं करता धर्मा, मुझे अभी के अभी 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? हाँ, अब तक तो तुम्हारे दिए हुए पैसे इधर उधर खर्च हो जाते थे, अब मुझे लाइफ सेटल करनी है, इसलिए अब एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अब जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दो धर्मा, जितना जल्दी हो सके। नरसिम्हा 25 लाख रुपए अभी मैं कहाँ से लाऊंगा? धर्मा अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मजबूरन तुम्हारे बारे में तुम्हारी बेटी को बताना पड़ जाएगा मुझे, और उसके बाद करोड़पति धर्मा भिखारी बनकर रह जाएगा, साथ में चक्की भी पीसनी पड़ेगी। नरसिम्हा मेरी बात तो सुनो। धर्मा
अगर पैसा वक्त पे नहीं पहुंचा तो इस नरसिम्हा को नरसिम्हा का अवतार लेना पड़ेगा, समझे? कुमार सर, मिस्टर कुमार, मैं तुमसे एक मदद मांगने के लिए यहां पर आया हूं। मदद? हाँ मिस्टर कुमार, मैं अभी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जिंदगी में अनजाने में मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए एक आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर वो राज सबके सामने खुल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। उससे संबंधित कागजात और फोटो से भरा हुआ लेदर बैग उसी के पास है। आप वो कागजात और फोटो मुझे दिला दें तो मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये कैसे मुमकिन है सर? मैं आपके हरे जख्मों को शायद अनजाने में कुरेद रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि अब इस उम्र में उससे मैं लड़ नहीं सकता। सर वो तो कुमार, भगवान के लिए मेरी मदद करने से मना मत करना। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है बेटा, लेकिन अगर इस रहस्य का फाश हो गया तो मेरे पीछे वो लोग उस कागजात और फोटोग्राफ्स के आधार पर आशा को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिले, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। कुमार, मुझसे ऐसी गलती हो गई कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। भगवान के लिए मेरे वो कागजात और वो लेदर बैग उससे ले लो, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। आशा की जिंदगी बचाने के लिए तुम ये काम कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुमार, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तुम इसको कोई उपकार मत समझना, बल्कि तुम जो मेरे ऊपर उपकार करोगे मैं उस उपकार का जीवन भर एहसान मानूंगा। एक मजबूर बाप अपनी बेटी की भविष्य के लिए अपना हाथ फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा है, एक दयावान व्यक्ति के सामने जिंदगी बचाने का आग्रह कर रहा है। कुमार, तुम चाहे मुझे जो कुछ भी समझो, निर्दयी समझो तो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे जो कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि तुम्हारे फैसले पर ही आशा का भविष्य टिका हुआ है। अब मैं जाता हूं। मिस्टर कुमार, तुम्हारे फैसले के ऊपर ही आशा का भविष्य टिका हुआ है। वो लेदर बैग किसके पास है सर? एक मिनट रुको, ये क्लोरोफॉर्म है, इससे उसे बेहोश करके वो लेदर बैग लेके आ जाना। उसके घर के सामने जो सर्कल है वहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस्टर कुमार, ना चाहते हुए भी मेरे लिए आप ये काम कर रहे हैं, मैं आपका एहसान मन रहूंगा। कुमार, इधर फेंको।
मिस्टर रुद्र कुमार, नरसिम्हा का कत्ल करने के आरोप में हम आपको अरेस्ट करते हैं। कत्ल? इस मुकदमे की पूरी तफ्तीश और बयानों को सुनने के बाद मुजरिम रुद्र कुमार पर लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित होते हैं, इसीलिए अदालत रुद्र कुमार को एक बहुत बड़ा अपराधी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी पर लटकाने का हुक्म देती है। भैया, बेटा, कुमार, भैया, कुमार इस तरह किसी का कत्ल करेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब इस तरह रोने से क्या फायदा है, कुछ नहीं होने वाला है बेटी। सुनो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, खुद को संभालो बेटी, खुद को संभालो। ये औरत आपकी कौन है? जी ये मेरी पत्नी है। पत्नी है? फिर वो कुमार? वो सिर्फ एक नाटक था। नाटक था? ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ आशा जी, मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। एक दिन रुद्र जी मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आशा और मेरे बीच दीवार खड़ी कर दो ताकि आशा खुद ब खुद मुझसे दूर चली जाए। इसीलिए मैंने उस दिन उनकी पत्नी होने का नाटक रचाया था। इतना ही नहीं आशा जी, उस दिन आपके बर्थडे पार्टी में डांस करने वाले भी हमारे ही ड्रामा के लोग थे जो परफॉर्म कर रहे थे। मिस आशा, रुद्र जी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उस इंसान की सहनशीलता और ईमानदारी को देखकर हम जैसे लोगों को उन्हें तहे दिल से सलाम करना चाहिए। कुमार, मैं क्यों तुमसे नफरत करूं? क्यों मैं तुमसे दूर जाऊं बताओ? क्यों? तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम शादीशुदा हो। क्यों कुमार, क्यों? आशा, आशा मुझे माफ कर दो। जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ रुद्र तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। कुमार, ये कैसी बात कर रहे हो? आशा, तुम खुश रहो, बस इसीलिए मैंने वो सब नाटक किया था, क्योंकि मैं एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हूं। कुमार, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है? क्या तुम ये सच कह रहे हो? कुमार, तुमने मुझे कितना पराया कर दिया, तुमने मुझे अपने सुख में शामिल किया मगर दुख में नहीं। मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करती हूँ, चाहे वो घड़ी सुख की हो या दुख की, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी कुमार। जानता हूँ आशा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना। अब मेरी जिंदगी टूटी हुई नाव की तरह है,
जिसमें मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता आशा, और अब तो मैं फांसी की सजा काटने वाला कैदी हूं। कुमार, मेरी कसम खा के कहो तुमने वो कत्ल किया है। नहीं आशा, मेरा उस कत्ल से कोई संबंध नहीं है। इसमें जरूर कोई धोखा है। तुम्हारे डैडी ने मुझे उस नर्सिंग मां से एक बैग लाने को कहा था। मैं सिर्फ वो बैग लाया और तुम्हारे डैडी को दे दी। वो कत्ल किसने किया, कैसे किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। इस गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा, तभी मैं बेकसूर साबित हो सकता हूं। आशा, आशा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। कुमार, सर सर, कैदी नंबर 786 चक्कर खाकर बेहोश हो गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो। ही इज ऑल राइट डॉक्टर, इज इट? मिस्टर कुमार, आपको क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? डॉक्टर, मेरा सर कभी कभी चकराता है, पर कभी कभी सर भारी हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है डॉक्टर। व्हाट? आपको ब्रेन ट्यूमर है? नर्स, एक्सरे के लिए रेडी करो। मिस्टर कुमार, आपको ब्रेन ट्यूमर ही है, आपको कैसे पता चला? क्यों डॉक्टर? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। व्हाट? मुझे ब्रेन ट्यूमर नहीं है? यस मिस्टर रुद्र, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के बारे में किसने बताया? डॉक्टर जगन्नाथ ने। डॉक्टर जगन्नाथ? नो, वो इस तरह की रॉन्ग रिपोर्ट कभी नहीं दे सकते। ही इज अ न्यूरो स्पेशलिस्ट। आई थिंक इट्स योर मिस्टेक। नो डॉक्टर, जगन्नाथ जी ने मेरा एक्सरे निकाल के टेस्ट करके मुझे ब्रेन ट्यूमर है बताया। इतना ही नहीं, बल्कि 3-4 और डॉक्टर को भी मैंने रिपोर्ट दिखाया, सभी ने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 100% कंफर्म। इट्स हाईली इम्पॉसिबल मिस्टर कुमार। ये देखिए, ये अभी का निकाला हुआ एक्सरे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको 100% ब्रेन ट्यूमर नहीं है। बट डॉक्टर, डॉक्टर 1 मिनट। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे तो इस कैदी पे शक हो रहा है। ये जेल से आया हुआ कैदी है, कहीं ये यहाँ से भागने के लिए इतना नाटक तो नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है हमें ये बात जेल के सुपरिटेंडेंट को बता देनी चाहिए। यस। एक्सक्यूज मी, जी आप? मैं नर्स। ए इंस्पेक्टर, पेशेंट का बीपी चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, इंजेक्शन देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आशा, आइए। अरे इस तरफ आइए, इस तरफ। Ha ha ha!
क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर, वो मुझे बंदी बनाकर खिड़की से भाग निकला। कम ऑन, कम ऑन, हरी अप। अरे रुकिए। हेलो राधा, मैं आशा बात कर रही हूँ। कुमार होटल वुड स्टाइल के रूम नंबर 10 में है, तुम वहां जल्दी पहुंचो। कम ऑन, फॉलो मी। माँ। भैया। कुमार, कुमार भैया, भैया कुमार। माँ। कुमार। माँ, ये कुछ दिनों की तकलीफ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं जब तक बेगुनाह साबित नहीं हो जाऊं तब तक पुलिस की नजरों से बचना है मुझे। हिम्मत से काम। बेटा। हेलो डीएसपी है, मैं रुद्र बोल रहा हूँ सर। रुद्र, तुम कहां से बात कर रहे हो? तुमने पुलिस डिपार्टमेंट को संभालने के बाद भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हो। इस तरह कानून से खिलवाड़ करना गलत है। आपकी नजरों में मैं अभी गुनहगार जरूर हूँ सर, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मिस्टर रुद्र कुमार, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, यही ठीक होगा। आई एम सॉरी सर। सबसे पहले तो मैं अपने बेगुनाही के सबूत और गवाह लाने की कोशिश करूंगा सर। अगर ये मैं नहीं कर सका तो अपने आप को मैं सरेंडर कर दूंगा। बस यही बताने के लिए आपको फोन किया था सर। हेलो, हेलो, तुम यहां ऐसे क्या देख रहे हो? शायद ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को ऐसे आते हुए कभी नहीं देखा होगा। बताओ मुझे क्यों झूठ बोला कि मुझे ट्यूमर है? मेरी बात तो सुन। डॉक्टर, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों झूठ बोला तुमने, बोलो, बताओ मुझे। मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। अंकल, हमारे फैमिली डॉक्टर होकर भी आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि अंकल, बताइए अंकल, प्लीज अंकल। उस दिन के कहे आपके एक झूठ ने मुझे एक हत्यारा बना दिया। उस दिन के कहे आपके एक झूठ ने मुझे मेरी माँ बहन से जुदा कर दिया। उस दिन के कहे आपके एक झूठ ने मेरे जीवन को चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर, मेरे जीवन को चकनाचूर कर दिया। अंकल, अंकल प्लीज सच बताइए अंकल। आप सच नहीं बताएंगे तो मेरे कुमार को फांसी हो जाएगी। मैं अपने कुमार को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ अंकल। उसे खोकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी अंकल। अंकल प्लीज अंकल, भगवान के लिए सच बताइए। अंकल प्लीज अंकल। आशा, आशा।
भगवान के लिए मुझे अंकल मत कहो आशा, मुझे अंकल कहकर मत पुकारो। क्यों अंकल? मेरा दिल घबरा रहा है, बताइए ना अंकल, बताइए ना। अंकल, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आशा, ये क्या कर रही हो? फेंक दो इस चाकू को। हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए आशा, तुम्हारे लिए। हाँ मैंने झूठ बोला। मेरे लिए झूठ बोला? हाँ मेरी बच्ची, मैंने झूठ कहा था, अपनी बेटी की खातिर झूठ कहा। क्या? मैं आपकी बेटी? ये सच है बेटी। लेकिन हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम आशा मेरी ही बेटी है। मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा रुद्र, मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन। सारी दुनिया की नजरों में आशा का बाप कहलाने वाला वो धर्मराज ही हकीकत में आशा का बाप नहीं है, वो उसका मामा है, सगा मामा, मेरी पत्नी का भाई। पिछले 20 सालों से आज तक मैंने एक राज अपने सीने में छुपा कर रखा हुआ था, अब मैं उसे और नहीं छुपा सकता। पैसों के लालच में धर्मराज ने एक बड़े सेठ की लड़की लक्ष्मी से प्यार का नाटक किया। उसके प्यार के जाल में फंसकर लक्ष्मी गर्भवती हो गई, और इस बात का पता जब लक्ष्मी के पिता राजवर्मा को चला तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने लक्ष्मी का अपमान करके उसे घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी धर्मराज के घर चली गई। वो उसे रोज अपने बाप से पैसा मांगने के लिए कहता रहता था, और इसी बात को लेकर वो रोज लक्ष्मी को मारता भी रहता था। जिस दिन लक्ष्मी की डिलीवरी होने वाली थी उस दिन उसका बच्चा और वो दोनों मर गए। हाथों में पैसा तो था नहीं, जीने के लिए दूसरा सहारा भी नहीं था, और इसीलिए धर्मराज ने अपनी बहन से पैसा लेना शुरू कर दिया। और जिस दिन मुझे ये बात पता चली मैंने तुम्हारी माँ को समझाया कि वो दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं ये भी जानता था कि मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होगा, वो उसे पैसे जरूर देगी। और बहुत दिनों तक मुझे धर्मराज घर में आता हुआ दिखाई नहीं दिया, मगर एक दिन मैंने तुम्हारी माँ को धर्मराज को बहुत सारे पैसे देते हुए देख लिया, और उस दिन पहली बार मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया, और ये सब देखकर धर्मराज ने अपनी बहन को जताने के लिए मुझ पर हाथ उठाया। हम दोनों को छुड़ाने के लिए तुम्हारी माँ आगे आई तो मेरे हाथ से उसे धक्का लग गया, और इस धक्के के कारण तुम्हारी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसका दम टूट गया। और इसी बात को कत्ल बताकर धर्मराज मुझे पुलिस में ले जाने की बार बार धमकी देने लगा, और उसी दिन से मैं उसकी कठपुतली बन गया, और उसे जब भी पैसों की जरूरत होती वो मुझे धमका कर ले जाता था। और एक दिन वो मेरे पास आकर बोला, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उससे इस बात का कारण पूछा कि मेरी बेटी क्यों चाहिए। इस बात को सुनकर उसने रवि वर्मा का लिखा हुआ एक खत मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उस खत को पढ़ा, उस खत में लिखा था, मैं रवि वर्मा, मेरी हालत बहुत ही खराब है, मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगा, मैं आखिरी बार अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहता हूँ, उन्हें जल्दी भेज देना। मेरी समझ में आ गया कि ये चिट्ठी दिखाकर धर्मराज को रवि वर्मा की जायदाद पाने का एक और मौका हासिल हो गया था। आशा को उनके सामने अपनी बेटी कहकर उसने एक और झूठा प्लान बनाया। उसने कहा कि अगर आशा को नहीं दिया तो मैं पुलिस में जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा, और आशा को जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गया और मुझे धमकी भी दी, अगर किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। और अपनी जिंदगी में अंधेरा छाते देखकर अपनी बेटी के लिए उस धर्मराज के यहाँ आने जाने लगा, और दूर से ही अपनी बेटी को उसके यहाँ पलते हुए देखता रहा। और 2 महीने पहले धर्मराज ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी कुमार को तुम्हारे अस्पताल भेजूंगा, और तुम उससे कहोगे कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए बहुत मना किया, लेकिन उसने इसका कारण मुझे ये बताया कि वो आशा और रुद्र की शादी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि शादी के बाद रवि वर्मा की सारी जायदाद जो आशा के नाम पर थी वो उसके पति को मिल जाएगी। आशा और तुम्हारी शादी तोड़वाने के लिए ही उसने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया, और मैं भी उसकी धमकियों में आ गया। मैं जानता था कि वो किसी भी कीमत पर तुम दोनों को अलग करके ही दम लेगा। ट्यूमर का यकीन दिलाने के लिए वो तुमको कॉफी में दवा मिलाकर देता था। मेरी बात का यकीन करो, अगर मैं उसकी बात मानने से इनकार करता तो वो आशा को मेरी आंखों के सामने मार देता। बेटी के प्यार में अंधा होकर मैं उसकी सारी बातें मानता रहा। मैं जानबूझकर तुम्हें दूसरे का एक्सरे दिखाता रहा ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। यही सारी कहानी है बेटा। मेरे इस गुनाह के लिए मुझे तुम जो भी सजा दोगे मुझे कबूल होगी बेटा, लेकिन उससे पहले आशा, आशा बेटी, सिर्फ एक बार अपने पापा के गले लगकर एक बार मुझे पापा कहकर बुला। पापा। आशा, पापा। आशा, पापा। मेरी प्यारी बच्ची आशा,
पापा। कुमार बेटे, मैं जानता हूं कि मैंने जो गुनाह किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे तो नहीं डॉक्टर, कोई इतने सालों तक घूट घूट के जी सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए, बाकी सब मैं संभालूंगा। थैंक यू आशा। जाओ बेटा, अपना ध्यान रखना बेटा। जगन्नाथ। बीस साल तक सीने में दबे हुए उस राज को आखिर तूने आज उगल ही दिया, इसीलिए तुझे यह सजा देनी पड़ी। माइकल को किसने मारा था? मुझे पता नहीं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मेरे हाथों से तुम मारे जाओगे। अरे कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें, रहम कर दीजिए। मेरे पापा को मत मारिए। सुनिए जी, भगवान के लिए आप मेरी बात मानिए, सच बता दीजिए। हेलो डीएसपी शिवशंकर हेयर, मैं रुद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। रुद्र, आपको पहला गवाह दे रहा हूँ सर। लॉकअप में जो माइकल मरा था वो मेरे हाथों से नहीं मरा था, बल्कि उसे मारने वाला अपना 403 है। सर मैं 403 बोल रहा हूँ सर, माइकल को लॉकअप में मैंने ही मारा था सर। 403? क्या माइकल को तुमने मारा था सच में? भगवान की कसम मैंने ही मारा था सर। सर आप अभी सदाशिव नगर के तीसरे ब्लॉक के टेलीफोन बूथ के पास आ जाइए, आपको 403 वहीं मिलेगा। दूसरे गवाह का इंतजार करिए। हेलो हेलो, सुनो मैं डीएसपी बोल रहा हूं, सदाशिव नगर के तीसरे ब्लॉक में टेलीफोन बूथ पर कांस्टेबल 403 मिलेगा, उसे वहीं गिरफ्तार कर लेना। सुनिए जी, मुझे कुमार के बारे में बहुत चिंता हो रही है, आप उसका ख्याल रखेंगे ना? कमला, अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब करोगी तो कैसे चलेगा? देखो इस समय तुम पेट से हो, ऐसी हालत में ज्यादा मत सोचो। कमला तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। हमारे स्मगलिंग के काम में टांग अड़ा के हमें ही अरेस्ट करके अंदर डालना चाहते हो? हमसे दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है देख लिया? अच्छा तो तुम वो ही चांडाल हो? छोड़ो मेरी बेटी को। Thank you.
हेलो नारंग स्पीकिंग। हेलो नारंग, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा दोस्त धर्मराज। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? आज से 20 साल पहले हमने एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया था, याद है ना? हाँ, वो तो बीती कहानी हो गई धर्मराज। वो तो बीती हुई कहानी नहीं है नारंग, अभी अभी शुरू होने वाली नई कहानी है। हाँ? क्या कह रहे हो धर्मराज? उसका कत्ल करते समय सबूत के लिए जो फोटो निकाले गए थे वो अभी मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर वो फोटो तुम्हें वापस चाहिए तो उसके बदले मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो ये फोटो पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और फिर तुम सलाखों के पीछे होगे। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। तुमने जो अपने हाथों से कत्ल किया था और रुद्र को फंसाया, उसे सलाखों के पीछे करवा दिया था, तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं? अरे नारंग। क्यों धर्मराज, ये बात मुझे कैसे पता चली ये सोचकर परेशान हो गए? उस दिन समुद्र के किनारे रुद्र को नरसिम्हा के घर से लेदर बैग लाने को तुमने कहा था ना, वो बात मैंने सुन ली थी। बिना कारण तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, इसमें कुछ ना कुछ मतलब है, मैंने ये शक किया था। इसलिए मैंने उस रात को रुद्र के आने से पहले वीडियो कैमरा साथ लेकर मैं वहां इंतजार कर रहा था। लेकिन रुद्र नहीं आया, तुम वहां पर आ गए। नरसिम्हा की तकिए से मुंह दबाकर तुमने जान ले ली। तुम्हारे जाने के बाद वहां घबराया हुआ रुद्र आया, मरे हुए नरसिम्हा को बेहोशी की दवा सुंघा करके और लेदर बैग को लेकर निकलते ही पुलिस वालों ने पीछा करके उसे अरेस्ट कर लिया। हाँ, सही है ना? नारंग, फालतू में क्यों भौंक रहे हो धर्मराज? मैंने अगर ये कैसेट पुलिस को दे दिया तो रुद्र के बदले तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, तुम्हारे गुनाहों से भरे कैसेट को मैं तुम्हें देता हूँ और मेरे रहस्य वाले उस फोटो को तुम मुझे दे दो, क्या कहते हो? ठीक है। गुड। ठीक 5 बजे तुम काली गेट के पास आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। डोंट वरी नारंग, वो हमसे बचकर भाग नहीं सकता। Thank you.
हमने समझा तेरा खेल बाहर ही खत्म हो जाएगा, मगर तू यहाँ तक आ पहुंचा है तो शराफत से वो कैसेट और फोटो मुझे दे दे। नारंग, मेरी माँ और बहन कहाँ है? ओहो, उन्हें देखे बिना तुम फोटो और कैसेट नहीं देना चाहते हो क्या? हे रुद्र, तुम ये अपनी हमदर्दी बाद में दिखाना, पहले शराफत से मेरी फोटो और कैसेट दे दो। चलो निकालो। नारंग, अब तो मेरी माँ और बहन को छोड़ दो। हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर रुद्र? मेरा मतलब तुमसे और भी अभी काम बाकी है। देखो, हाँ, इस कोरे कागज पर आशा का साइन अभी बाकी है। Thank you.
माँ, मेरा बच्चा कुमार, बहना, भैया, कुमार, भैया,